नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो कि अपने 12th क्लास की मार्कशीट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार होता है दोस्तों, कई लोगों की मार्कशीट होती है वो किसी कारण से डैमेज हो जाती है या खो जाती है, तो रीइशू कराना फ्रेंड्स बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा, बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद भी आपका जो कि मार्कशीट दोबारा से मिले या ना मिले। तो इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो कि अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहो तो उसका जो कि है 100% प्रिंटआउट निकलवा के कहीं भी लगा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, आपको पूरी डिटेल में वीडियो बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर पे, और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर लेना है यहाँ पर डिजी लॉकर। तो दोस्तों, कई लोग होंगे जो कि इस एप्लीकेशन के बारे में पहले से जानते होंगे, और ये जो डिजी लॉकर है ऐप, ये जो कि नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव है दोस्तों। तो इस पे आपको अपने सरकारी सारे दस्तावेज मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर है इसे पहले डाउनलोड कर लेना है, अगर पहले से डाउनलोड ना हो, और यहाँ पर अगर डाउनलोड हो तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, डिजी लॉकर का कुछ इस टाइप का इंटरफेस है दोस्तों। यहाँ पर है जो कि आपको अपनी भाषा चुन लेनी है, जिस भी भाषा में आप आगे प्रोसेस करना चाह रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, तीन ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ लेट्स गो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। आपके पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं गेट स्टार्ट, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको सिंपली है जो कि अपना यहाँ पर आधार नंबर या मोबाइल नंबर डाल के आपको यहाँ पर जो कि अपना 6 डिजिट का जो भी आपने सिक्योरिटी पिन बनाया होगा वो डाल के आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। अगर नए यूज़र है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे एक ऑप्शन है डू नॉट हैव एन अकाउंट, यहाँ साइन अप का दिख रहा होगा ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है दोस्तों, और ये सारी डिटेल आप जो कि डालेंगे अपने आधार कार्ड में से डालेंगे। अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हो पाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन दिख रहा है, मोबाइल नंबर डाल लेना है, और यहाँ पे अपना 6 डिजिट का कोई भी सिक्योरिटी कोड बना लेना है, अपना मनपसंद जो भी आप बनाना चाह रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप चाहे तो अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी आपको डाल देना है दोस्तों, और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों आपका है जो कि अकाउंट क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले से अकाउंट बना रखा था, तो हमने अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के जो कि यहाँ पर लॉगिन कर लिया है सक्सेसफुली। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नीचे सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों, ये देखिए सबसे नीचे यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सर्च, इस पर आप क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ ये देखिए यहाँ पर मार्कशीट का ऑप्शन आ रहा है क्लास 12th सेंट्रल, आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है अगर आप CBSE से हैं, या फिर आपको यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी है अलग अलग है वो आप देख लीजिएगा, आपका किस बोर्ड से आपने पढ़ाई करी है। तो मैं यहाँ पे क्लास 12th मार्कशीट सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों, ये देखिए। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा, देखिए नाम यही वही आएगा जो आपके आधार कार्ड पे, और आपके मार्कशीट में भी यही नाम होना चाहिए दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल लेना है दोस्तों, रोल नंबर आपका वो होगा जो आपके है जो कि मार्कशीट पे आपको मिल जाएगा, आपने कोई मार्कशीट होगी तो आपको वहाँ से रोल नंबर लिख लेना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको ईयर लिख लेना है दोस्तों, या आपके कौन से ईयर की मार्कशीट थी वो आपको है जो कि यहाँ पर लिख लेना है दोस्तों। तो मैं इन डिटेल्स को फिल करके यहाँ जो कि है गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एक है, ये देखिए क्लास 12th पासिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका, ये इशू डॉक्यूमेंट में है जो कि आपका ये मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप इसे ओपन करके देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों ये डिजिटली ई साइन है, देख लीजिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, ये जो मेरी मार्कशीट है 100% वैलिड है फ्रेंड्स, कहीं भी मैं इसे चाहूँ तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपको भी ऐसी डाउनलोड करनी हो तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक डाउनलोड, ये देखिए दोस्तों ये नीले कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में दोस्तों। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं अपने मार्कशीट को, आप चाहो तो यहाँ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके किसी को जिसको आपको शेयर करना हो उसे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं।
और ये जो कि डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स 100% ओरिजिनल है, वैलिड है, जहाँ मर्जी आप चाहो लगा सकते हो, कोई कुछ रोक टोक नहीं होगी दोस्तों। इसका आप चाहो तो एक कलरफुल प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो और उसे वो करा दीजिए आप, लेमिनेशन आपका 100% वैलिड माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, कुछ हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। और आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।